मैं हूँ रितिका। थोड़ी सी कभी कभी मैं पहचान में नहीं आती ना, ज्यादा सुंदर लग जाती हूँ इस वजह से। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कोई नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर रितिका। और मैं हूँ रितिका। थोड़ी सी कभी कभी मैं पहचान में नहीं आती ना, ज्यादा सुंदर लग जाती हूँ इस वजह से। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कोई नहीं। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लेनी चाहिए, कोई तो दूसरा तो आएगा नहीं हमारी तारीफ करने के लिए लॉकडाउन में, वो भी। तो आज आपने कंटेंट देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ। तो थोड़ा सा मेरा फैशन की तरफ भी ध्यान दे लो। आज मैंने शेड्स लगाए हुए हैं मेरे फैशन को मद्देनजर हाँ, मेरे फैशन को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने अपने शेड सिर्फ पता नहीं 100 रुपए में खरीदे हैं। 100 रुपीज ओनली। और आज मैं आपको सिर्फ सस्ती सस्ती चीजें दिखाने वाली हूँ। 1-2 महंगी होगी, बाकी सब कुछ सस्ता माल है। तो ये तो बता दो दिखा क्या रही हूँ। कंटेंट में आपने देख लिया है तो क्या बताना भाई। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने ढेर सारे इयररिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे लाइफ के सबसे पहले इयररिंग्स जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे मतलब अपने बड़े भाई की शादी में खरीदे थे, मतलब मेरी बड़ी मम्मी के बेटे। तो उनकी शादी सबसे पहले हुई है, तो उन्हीं की शादी में हमने सबसे पहले इयररिंग लिए थे। और वो इयररिंग मैंने पहने भी हुए हैं। वो मैं वीडियो की अभी मैं इयररिंग्स दिखाने के बाद वो वीडियो में नहीं, वीडियो क्या बोल रही हूँ मैं फोटो लगा दूंगी वहां पे, ठीक है। आप देख लेना उसमें मैं कैसी लग रही थी। स्मार्ट लग रही हूँ तो बताना, ठीक है। और क्या पता भूल जाऊं तो कोई बोले, मानने वाली बात तो है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और क्या पता एडिटिंग करनी ना आई तो। हाँ, एडिटिंग करनी नहीं आई तो अरे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। आप लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी ना मेरे लिए। तो मैं अपनी लाइफ के सबसे पहले इयररिंग्स दिखा देती हूँ। तो ये इस बॉक्स में आए थे और जब से मैंने इसी के अंदर रखे हुए हैं। और इसके अंदर कॉटन दी हुई है, वो भी मैंने आज तक नहीं हटाई है। 2015 में हुई है ना काकू भाई की शादी, तो मैंने ये तभी खरीदे थे। तो ये मेरी लाइफ के सबसे पहले इयररिंग्स थे। तो देख लीजिए कैसे हैं। देखो इसका टिक्का भी मस्त लगेगा ना। तो पर मैं इनको खराब नहीं करना चाहती। मैंने अभी तक किसी को दिए भी नहीं है। ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। देखो कितना प्यारा इनका डिजाइन है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है रूबी है रियल वाली, बट नो ये ना नकली है। तो ये मैंने लिए थे 450 रुपए में। हमारे यहाँ पर जहाँ पर एम्स हॉस्पिटल है ना, उसके पास कोई पता नहीं कृष्णागढ़ के कोई मार्केट है, वहां से लिए थे। मुझे इतना याद नहीं है। फैन को प्लीज ऑफ कर दें, फैन को प्लीज ऑफ कर दें। तो वहां से मैंने लिए थे। इसका एक मोती भी निकल गया, पर मैंने कोई नहीं, वो मिला भी नहीं, कहाँ चला गया। और कई बार जब मुझे पहनने होते हैं तो एक तरफ के बाल ऐसे गिरा लेती हूँ, किसी को नहीं पता चलते कि इसमें एक मोती नहीं लगा हुआ। तो ये थे मेरे लाइफ के सबसे पहले इयररिंग। और साथ ही मेरी सिस्टर ने भी खरीदे थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके भी लाइफ के सबसे पहले इयररिंग्स थे। तो उसने ये वाले लिए थे। हम दोनों ने एक ही शॉप से लिए थे। ये भी 450 के थे उस टाइम पे। देखो हमने कितने महंगे महंगे ले लिए। पता वता कुछ था नहीं। तो ये पहनने के बाद काफी सुंदर लगते हैं। सिम दरवाजा बंद कर दे बारी। तो पहनने के बाद काफी सुंदर लगते हैं, देख रहे हो ना। अभी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो स्वाति को ये बहुत पसंद है। और दूसरा इसके नीचे जो है एक ये व्हाइट सा मोती लगा हुआ है। बच्चा आ गया, आ गए थे दोस्तों, इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। मैं तो बिल्कुल गर्मी में पापा ही सोच रहे हैं कहाँ जा रही है चुन्नी मुन्नी लेके। कोई नहीं, पर वीडियो बनाने के लिए ऐसे टंटे करने पड़ते हैं। आप बात करते हैं। मैंने दिखा दी ना आप लोगों को, ये वाले मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैंने बता दिया है। और दूसरा अब बात करते हैं, मैं आपको दूसरे इयररिंग्स दिखा रही हूँ। क्या आ गया भाई इसके अंदर अटक के। तो ये है दूसरे वाले इयररिंग्स, झुमका टाइप इनको बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा इसमें पंजाबी लुक आता है। तो ये मेरे नहीं है, ये सिमू के इयररिंग्स हैं। तो फर्स्ट है सिमू के भी ये फर्स्ट हैं। तो हमने अपने अपने फर्स्ट इयररिंग्स सबने हमने रखे हुए हैं। और मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमारे मतलब फर्स्ट इयररिंग है जो हमने 2015 में खरीदे थे। तो अब बात करती हूँ मैं दूसरे इयररिंग्स की। ये भी झुमका टाइप है, उल्टा पकड़ ले भाई। तो ये भी झुमका टाइप है, ये भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और एक तो बार इनको मम्मी ने भी वेयर किया है और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखो इनके नीचे वाइट कलर के ये मोती लगे हुए हैं ना, तो बहुत अच्छा लुक आता है इनको। फैन नहीं चल रहा ना इसलिए मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं, माइंड मत करना। तो देखो कितने प्यारे आएंगे, फोकस नहीं होएगा, गरीबों वाला फोन है ना तो ये बहुत प्यारे लगते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो इनका प्राइस मुझे नहीं पता है कितना है, पर इयररिंग्स अच्छे हैं। आप ये मेरी कलेक्शन जो देख रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। अब मैं आपको अपने सस्ते सस्ते वाले इयररिंग्स दिखाऊंगी। वो थे मेरे थोड़े बहुत महंगे वाले। आप लोग सोचोगे इतने भी महंगे नहीं हैं, 450 रुपये के लिए, लेकिन मेरे लिए वो महंगे हैं। इसका मुझे ये एक इयररिंग, हाँ ये है मेरे मोस्ट ऑफ द फेवरेट इयररिंग। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो, उसमें मैंने जब पंजाबी लुक क्रिएट करके दिखाया है उसमें इसको मैंने वेयर किया है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। आई लव ये, मैंने रक्षाबंधन पे खरीदे थे 2018 में, 2018 में मैंने इसको खरीदा था। तो ये बस 30 रुपीज़ के और ये रात को हम लेने गए थे 12 बजे, हम इसको खरीद के लेके आए थे। बड़ी मम्मी हमारे घर आई हुई थी। देखो कितनी सारी कहानियाँ बन जाती है ना हर एक चीज़ के साथ। तो ये सिर्फ 30 रुपये के हैं और बहुत प्यारे हैं। इसमें और भी बहुत सारे कलर आते हैं, शायद से अगर कभी मुझे इसके दूसरे कलर मिले तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये मुझे बहुत पसंद आए। और दूसरे इयररिंग्स की बात कर लेते हैं। ये है मिरर वाले इयररिंग्स। ये भी थोड़े झुमका टाइप है। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं आपको झुमका टाइप ही दिखा रही हूँ कि बहुत प्रिटी लगते हैं सच में। इसको आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी अगर वेयर करोगे ना, सच बता रही हूँ इतने प्यारे लगने वाले हैं। मतलब ये आजकल ट्रेंड में भी बहुत है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, हीरोइन से लेके हर कोई ये पहन रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये भी मात्र 30 रुपये के हैं, ज़्यादा नहीं। अब आपको मैं दूसरे दिखाती हूँ। ये जब इनको रखते हैं ना तो ये साथ में ऐसे ही उलझ जाते हैं। मुझे वीडियो ऑन करने से पहले इनको शायद से ना मतलब ऐसे निकाल के रख लेना चाहिए था। तब तक मैं सिमू को दे देती हूँ। निकल गया वो अपने आप, जैसे दिया मैंने वैसे ही निकल के आ गया। वेट करो अभी दिखाती हूँ। बहुत पसीना आ रहा है मुझे। तो ये है मेरे इयररिंग्स। आपने देखा होगा टिकटॉक पे खुशी पंजाबन जो है वो भी इस वाले इयररिंग्स को बहुत ज़्यादा वेयर करती है। तो मुझे बहुत पसंद है। ये नहीं कि उन वो पहनती है इसलिए, ये मुझे मैंने उनसे पहले लिए हुए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी बस 30 रुपये के हैं। अगर आपको कोई ये वाले इयररिंग्स ज़्यादा पैसों में देता है तो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये 30 रुपीज़ के मिलते हैं बस। और लड़ाई वड़ाई कर लो तो सस्ते थोड़ी सी और बार्गेनिंग कर लो तो आपको 10 रुपये में दे देंगे। नहीं, पर ऐसा नहीं होता। पर जो हमें लग रहा है कि भाई सस्ते मिल रहे हैं तो क्यों हम छोड़े, हम ले लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, मैंने गिने नहीं कितने हो गए हैं अभी, तो बात कर लेते हैं। ये गोल्डन कलर के इयररिंग्स हैं। इनका थोड़ा बहुत ना हल्का फुल्का कलर उतर गया, पर ये चीज़ मायने नहीं रखती क्योंकि ये जो इयररिंग्स होते हैं ये कुछ इसी टाइप के आते हैं। तो ये भी बड़े प्यारे हैं। ये भी ना थोड़ा पंजाबी लुक देते हैं। देखो इसका टिक्का भी बना लेंगे तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा। अब तक मैंने जितने भी आपको इयररिंग्स दिखाए ये पिंक वाले, इसका भी अगर हम टिक्का बना लेते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। देखो लग रहा है ना, मैं भी अच्छी लग रही हूँ इसमें तो ये भी बस हमारे 30 रुपीज़ के हैं। अब 30 रुपीज़ वाली सेल खत्म हो गई। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। तो ये इयररिंग्स हैं, ये भी गिफ्टेड हैं। ये मेरी दादी, जब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, मैंने बोला ना गरीबों वाला वो है हमारा फ़ोन, तो इतना अच्छे से फोकस नहीं हो पाता है। तो ये जब दादी वहाँ पर गई थी, कहाँ पर, पुणे गई थी, तो वहाँ से वो मेरे लिए ये वाले इयररिंग्स लेके आई थी। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। मैंने 1-2 बार इनको पहना भी है। और अब बात कर लेते हैं दूसरे इयररिंग्स की। इसका मुझे मिल गया, सिमो एक और मिल गया। बात कर लेते हैं दूसरे इयररिंग्स की। ये भी दादी जब पुणे गई थी वो तब ये लेके आई थी। तो ये भी पहनने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे नहीं पता इनका क्या प्राइस होगा, पर गिफ्टेड हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छे हैं। और इनके अंदर देखो कितना मतलब इनके अंदर ना जरकन टाइप को लगे हुए हैं और 2-3 साल हो गए हैं और अभी तक इतने ज़्यादा चमकते हैं तो बहुत अच्छे हैं ये इयररिंग्स। अब बात करते हैं हमारे 10-10 रुपए वाले इयररिंग्स की। देखो मैं कैसे हाई रेट से लो रेट पे आ गई हूँ। और दूसरा देख लो पसीने कितने ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लोग भी सोच रहे हो उतारूंगी। नहीं उतारूंगी, इससे लुक आ रहा है ना मेरी वीडियो में। अब बात करती हूँ मैं दूसरे, ये भी झुमका टाइप है। ये स्वाति ने मतलब ली हूँ ये इतनी सारी, हर कलर है इसमें, पिंक रेड। ये लाख होता है ना जो, तो उसकी है जिसके कड़े बनते हैं। तो ये देखो ये हर कलर में हमारे पास है तो ये स्वाति को बहुत अच्छी लगती है। झुमका टाइप जो इयररिंग्स होते हैं तो उसने ये खरीद के रखे हुए हैं और वो इसको कभी भी वेयर कर लेती है जब भी वो सूट वगैरह पहनती है तब। और अब बात करते हैं 10-10 रुपीज़ वाली चीज़ों की बात हो रही है, वो भी 10 में ही थे। अब बात कर लेते हैं छोटी छोटी झुमकियों की। झुमके आप सोच रहे हो हमें बहुत पसंद है, हाँ तो हमें बहुत पसंद है। ये भी झुमकी टाइप के छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं तो ये बहुत प्यारे हैं। और ये भी इसके अंदर। और दूसरे इयररिंग्स की बात करती हूँ मैं तो ये भी 10 रुपीज़ में है। इसमें देखो वाइट कलर के मोती लगे हुए हैं तो मैंने आपको बताया ये भी स्वाति ने लिए हुए हैं। उसको ये मोती जो वाइट कलर के होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं इसलिए वो इस टाइप की जो ज्वेलरीज हैं वो काफ़ी खरीदना पसंद करती है। और दूसरा भी मैंने आपको 10-10 रुपए वाली जो झुमकियाँ दिखाई थी इनमें भी आप एक चीज़ नोटिस करो, वाइट मोती लगे हुए हैं तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं वाइट मोती, इसलिए उसने ये वाली 10-10 रुपीज़ वाली काफ़ी सारी खरीदी हुई हैं। और 1-2 जो हैं अनपैक भी हैं, अभी तक हमने इसको खोला भी नहीं है। इसके अंदर रेड कलर है, उसने एक ही कलर 2-2 उसमें लिया हुआ है, 2-2 पेयर में। और अब बात करते हैं वन ऑफ द मेरी फेवरेट इयररिंग्स की। इसका एक और कहाँ है, इधर ही कहीं होगा। तो अब बात करते हैं लास्ट इयररिंग्स की। तो ये लास्ट इयररिंग है तो देखो कितने प्यारे है ना। इसके अंदर एक ग्रीन कलर का है, अभी उसका मिल नहीं रहा है क्योंकि वो दूसरे वाले बॉक्स में रखा हुआ है। अब मैं याद से इसको इसी में रख दूंगी लगा के। और एक है ये ब्लू कलर के तो ये सिर्फ 20-25 रुपीज़ के हैं। और ये मैंने अपने यहीं से खरीदे हैं, अवंतिका मार्केट से, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से। तो काफ़ी कूल हैं ये भी, इनके अंदर भी मिरर वाला लुक दिया हुआ है तो काफ़ी प्रिटी लगते हैं ये वाले इयररिंग्स भी। बताना आप लोगों को मेरे इयररिंग्स कैसे लगे। तो ये लास्ट थे और बाकी अगर आप मेरी ज्वेलरी से रिलेटेड और भी, तो सारी इयररिंग्स की बात हो गई है। बात करते हैं इन वाले इयररिंग्स की। ये भी मैंने पहन लिए क्योंकि मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे और मैंने काफ़ी दिनों से कानों में कुछ पहना भी नहीं है क्योंकि मेरे जो गोल्ड वाले हैं वो टूट गए थे सर्दियों में तो अभी तक मैंने नहीं उनको जुड़वाया। लॉकडाउन लग गया और दूसरा मुझे याद भी नहीं रहता कानों में पहनना, तो मैंने अभी वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने इनको वेयर किया है। देखिए ये ब्लैक कलर का इसमें ये दिया हुआ है और ऊपर वाइट कलर का मोती दिया हुआ है। तो ये सीमू लेकर के आई थी, ये इसका प्राइस है 20 रुपीज़ के ये हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस टाइप के अगर आप इयररिंग्स लेते हैं तो आप इसको किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं और जैसे मैंने इंडियन ड्रेस के साथ भी पहना हुआ है तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस टाइप के इयररिंग्स। तो आप भी लीजिए इस टाइप के इयररिंग्स अगर आपके वहाँ पे मिल जाते हैं तो। देखिए इनका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, मैंने इन पे पैसे तो बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं जो आपने ये वाले देखे क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था, हम भी नए नए थे और हमें इतना अब शौक भी नहीं है वैसे इन सब चीज़ों का इतना लेने का। उस टाइम पे पता भी नहीं था कि क्या लेना होता है क्या नहीं, जो मिल गया उस टाइम ले लिया। और हमारे जो लहंगे से मैच कर रहा था तो हमने वही ले लिया था। और दूसरा आप बताना आपको मेरे सारे इयररिंग्स जो हैं कैसे लगे, प्लीज़ ज़रूर बताना। और दूसरा मेरा ये शेड भी बताना कैसा लग रहा है। मैंने अभी इसको परचेज़ किया, काफ़ी कुछ ही टाइम हुआ है, 10-15 दिन हुए हैं। तो ये थी मेरे इयररिंग्स कलेक्शन। जो भी इयररिंग्स आपको अच्छा लगा हो 1-2 नंबर करके आप मेरे को बता देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको तो आपको आपने देखा मेरा इयररिंग्स कलेक्शन जो है। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो आपने ये इयररिंग्स देखे हैं, हमने 2015 में सिर्फ इतने इयररिंग्स खरीदे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कि हमें फेंकने पड़े हों। तो ये इयररिंग्स जो है हम अदल बदल के तीनों बहनें पहन लेती है, और ये हम तीनों के थे, ना कि ये सिर्फ मेरे थे। तो मैंने अब तक आपको जो भी इयररिंग्स दिखाए हैं तो मेरे, सीमू के, स्वाति के, हम तीनों बहनों के थे। और ज्यादा हम ज्वेलरी पे वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो यही वाले इयररिंग्स चल जाते हैं, दूसरी बात कभी लाइफ में अच्छे लगेंगे तो खरीद लेंगे, बट अभी तक तो इनसे ही काम चल रहा है, क्योंकि ये हमें इतना ज्यादा पसंद है ना। मैं सच में बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ना अगर ये चैनल अगर मेरा पहले से बना होता ना, तो काफी वीडियोस में अगर मैं कहीं बाहर जा रही होती, जैसे पार्टीज वगैरह में, तो आप मुझे बार बार देखते और फिर शायद से टोकते कि आप बार बार में ये वाले इयररिंग्स पहनते हो, या कोई भी इयररिंग्स, क्योंकि यही हमारे पास इयररिंग्स है। अगर बाद में अगर हम कोई भी इयररिंग्स परचेज करते हैं तो आप लोगों को दिखाना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो हम दिखा देंगे। अगर आप मेरी जो भी इयररिंग्स आपको अच्छा लगाओ 1 2 नंबर करके आप मेरे को बता देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपको कौन से वाला इयररिंग्स अच्छे लगे हैं। और दूसरा, अगर आप मेरी ज्वेलरी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपको अपने नेक पीसेस और भी बहुत सारे, बहुत कुछ है, हैंड में पहनने वाली ब्रेसलेट्स होते हैं और चूड़ियाँ होती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हो गया एक एक इयररिंग्स की बात करना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता। तो इस वजह से मैंने आपको सिर्फ आज इयररिंग से रिलेटेड वीडियो दिखाई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर रितिका और मैं हूँ रितिका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ना अच्छे कमेंट जरूर छोड़ देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दूसरा देखो पसीने यहाँ तक लटक लटक के आ रहे हैं लटों पे मेरी, तो अब मुझे बाय कर देना चाहिए। तो बाय। Take it.